नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। केरल के वायनाड में भूस्खलन से हुई भयंकर त्रासदी के बाद पीड़ितों की मदद के लिए लोग लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वायनाड के पूर्व सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है अपनी मदद। जी हां, उन्होंने अपनी एक महीने की पूरी सैलरी वायनाड पीड़ितों के लिए डोनेट कर दी है। उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए लिखा कि वायनाड के जो हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने एक विनाशकारी त्रासदी झेली है और उन्हें इस अकल्पनीय नुकसान से उबरने के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है। मैंने प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए अपने पूरे महीने का वेतन दान कर दिया है। मैं ईमानदारी से सभी साथी भारतीयों से आग्रह करता हूँ कि वो जो भी कर सकते हैं जरूर करें। हर छोटी मदद से फर्क पड़ता है। वायनाड हमारे देश का एक खूबसूरत हिस्सा है और साथ मिलकर हम इसके लोगों के जीवन को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। आई स्टैंड विद वायनाड INC ऐप के माध्यम से भी आप सुरक्षित रूप से इस फंड में योगदान कर सकते हैं। साथ ही राहुल ने एक रसीद शेयर की है जिसमें 2,30,000 रुपए उनकी तरफ से डोनेट किए गए हैं वायनाड के पीड़ितों के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद हुआ करते थे, लेकिन रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रायबरेली को चुना और वायनाड से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद तय हुआ कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। और इस दौरान राहुल गांधी का वायनाड से जो जुड़ाव है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कम हुआ है। अभी हाल ही में उन्होंने वायनाड का दौरा भी किया था इस त्रासदी के बाद और लोगों से अपील की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद के लिए सामने आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वायनाड के दौरे पर पहुंचे थे तब भी राहुल गांधी ने उन्हें धन्यवाद दिया था। वायनाड का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने संसद में वहां का पूरा हाल बयां किया था और सरकार से मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। सर, इट इज़ ए ह्यूज ट्रेजेडी इन वायनाड and the military is doing a good job there. I think it's very important that we support the people of Wayanad, that we give them as much support as is possible, and I'd request the government to help the people of Wayanad in this difficult time. I think this is the second time this tragedy has taken place. This took place 5 years ago, and it is quite clear that this area has an ecological issue. So this should be looked into, and whatever high-tech solution can be brought forward, that would be good.